राग हिंडोल। राग हिंडोल की उत्पत्ति कल्याण थाट से हुई है। इसमें तीव्र मध्यम यानी तीव्र म के अलावा शेष शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस राग में ऋषभ और पंचम यानी रे और प ये दोनों वर्जित स्वर हैं। इस प्रकार इसके आरोह और अवरोह में पांच पांच स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व औड़व है। इस राग में निषाद अर्थात नी का अल्प और वक्र प्रयोग किया जाता है। इसका वादी स्वर धैवत यानी ध है और संवादी स्वर गंधार यानी ग है। इसका गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। राग हिंडोल के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। सा द सा। अब सुनिए अवरोह। सा नी द म ग सा। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। सा ग म द अब प्रस्तुत है राग हिंडोल की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग हिंडोल की स्वर मालिका की स्थाई। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। ग ग ग म म ध द सा 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 ध सा। ग ग ग म म ध द सा 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 ध सा सा। सा 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 सा
अभी आपने राग हिंडोल की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, भारत के जनगण की जय हो। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। जग करता जय गान तुम्हारा, जग करता जय गान तुम्हारा, भारत माँ तेरी जय हो, भारत माँ तेरी जय जय हो, भारत के जनगण की जय हो, भारत के जनगण की जय हो। अब प्रस्तुत है इसी रचना में सरगम के आलाप और तान। भारत के जनगण की जय हो, सा गा मा गा री दा मा गा मा गा गा सा, भारत के जनगण की जय हो, मा सा भारत के जनगण की जय हो, सा ग म ग म ग सा, सा ग म ग ग म ग सा, सा नि ग म ध नि ग म ग सा, भारत के जनगण की जय हो, सा ग म द म ग सा, ग ग म ग म ग सा, मा द सा ग ग सा नि द नि द म ग ग सा, भारत के जनगण की जय हो, भारत के जन, भारत के जन, भारत के जनगण की जय। अंत में इस राग की बंदिश को आइए एक बार फिर से सुनते हैं। भारत के जनगण की
राग रस बरसे।